जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकी इसमें आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में जो है उसके जो रिक्वायरमेंट है उसकी बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उसके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है तो क्या उसकी पूरी प्रक्रिया है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, पूरी डिटेल हम मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अंदर दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रमुख विमानन सेवा प्रदाता IGI हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां, हॉस्पिटलिटी, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट और कार्गो के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, तो इसमें ये है, अगर पोस्ट की हम बात करें तो पोस्ट का नाम है ग्राहक सेवा अभिकर्ता यानी कि कस्टमर सर्विस एजेंट। योग्यता की हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 10+2 रखी गई है, आप किसी भी बोर्ड के द्वारा 10+2 आपके पास होना चाहिए। वेतन की हम बात करें तो वेतन इसमें जो है 15,000 से 25,000 तक आपका वेतन रखा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 वर्ष तक के जो युवा हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, ये फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट इसमें 195 पोस्ट हैं, 1095 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। देखिए, और इसका अगर लिखित परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस की हम बात करें तो लिखित परीक्षा का सिलेबस जो दे रखा है आपका सामान्य जागरूकता यानी कि GK आपका 25 नंबर का होगा, 25 अंक, और विमानन ज्ञान यानी कि एयरपोर्ट और हवाई जहाज इससे एयरलाइन से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके 25, और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 25 आपके क्वेश्चन क्वालिफिकेशन से संबंधित होंगे, योग्यता से यानी कि मैथ और रीजनिंग वगैरह इसमें आपकी रहने वाली है। टोटल आपके 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। अगर समय की हम बात करें तो समय 1.5 घंटे का है। मिस्टर पिंकिश यादव, योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज आंसर। और आप लिखित परीक्षा में ये होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, और परीक्षा का जो स्तर है वो 12वीं का रहने वाला है, 12वीं कक्षा का, और परीक्षा जो आपकी वो दो द्विभाषी मीडियम में ली जाएगी, अंग्रेजी या हिंदी मीडियम में आपका परीक्षा का दोनों इसमें आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसमें एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके अंदर कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अगर बात करें परीक्षा केंद्र की बात तो आप, अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से निवासी हैं तो उसके लिए आप आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर आप परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। ऐसे ही आप अगर झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं तो उसके भी लिए दिए गए हैं। ये सभी स्टेट वाइज अलग अलग आपके ये दिए गए हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 5 जनवरी इसकी 2022 से स्टार्टिंग डेट थी, और लास्ट डेट की हम बात करें तो 22 मई 2022 इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। तो आप इसका sarkarresult.com पे जाके ऑनलाइन इसका फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। इसकी हम फीस की बात करें तो इसका जो फीस है एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम फीस जो है वो 350 रुपये रखी गई है जनरल OBC सभी के लिए। मिस्टर पिंकिश यादव, योर फोन।